अस्सलामु अलैकुम। मिस्री का नाम जहन में आते ही कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि मिस्री पहाड़ों की चट्टानों से टूटा हुआ कोई मीठा पत्थर है, या फिर मिस्र से आने वाली कोई सौगात है जो कि मीठी होती है। मगर मिस्री के हवाले से ये तमाम नज़रियात यकसर गलत हैं। हकीकत में मिस्री भी चीनी की तरह गन्ने के रस से तैयार होने वाली मिठास है। चीनी और मिस्री में फ़र्क, गन्ने के रस को बगैर केमिकल मिलाए इसकी तबखीर करके मिस्री के क्रिस्टल्स हासिल किए जाते हैं, जबकि इसी रस के अंदर केमिकल मिलाकर चीनी बनाई जाती है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि मिस्री एक खालिस हालत है, जबकि चीनी एक मसनूई चीज है। मिस्री के खालिसपन के सबब ये कई हवालों से बहुत मुफीद होती है, जबकि चीनी के नुकसान के हवाले से तो सब ही जानते हैं। मिस्री के फवायद। मिस्री का इस्तेमाल बहुत सारे ऐसे फवायद का हामिल है जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करता है बल्कि इससे जिस्म भी मुतनासिब रहता है। मिस्री वजन घटाए। वजन घटाने के लिए इंसान को सबसे पहले मीठा खाने से परहेज बताया जाता है, मगर मिस्री सौंफ और धनिये के बीच मिलाकर दिन में कम अज कम 2 बार 1 चम्मच खाने से वजन में तेजी से कमी वाकई होती है। हामला औरतों के लिए मुफीद। मिस्री के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं जो इसे सेहत के लिए बहुत मुफीद बनाते हैं। हामला औरतें गर्म दूध के साथ एक टुकड़ा मिस्री का अगर रोजाना लें तो इससे इनकी सेहत पर बहुत मुस्बत असरात मुरतब होते हैं और ताकत का सबब होता है। खून की कमी को दूर करने के लिए। खून की कमी हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से होती है। मिस्री के अंदर ये सलाहियत होती है कि इसका इस्तेमाल खून की कमी को दूर करता है और इसके अलावा दौरान खून को बेहतर बनाकर लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद होता है। बिनाई के लिए मुफीद। अगर आप बिनाई के मसाइल का शिकार हैं और आपकी बिनाई कमज़ोर है तो इस सूरत में रात को सोने से कबल नीम गर्म दूध के साथ एक टुकड़ा मिस्री का खा लेने से बिनाई की कमजोरी ना सिर्फ दूर होगी बल्कि बिनाई को कमजोर होने से भी रोकेगी। दिमागी कमजोरी के लिए। अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है या आप तालिबे इल्म हैं और आपको दिमागी काम करने पड़ते हैं तो इस सूरत में हर रोज रात को सोने से कबल एक टुकड़ा मिस्री, 7 बादाम और नीम गर्म दूध का 1 गिलास आपके दिमाग और असाब को ताकत फराहम करने का सबब बनता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है और असाबी थकन को कम करके मूड को खुशगवार बनाता है। किन अफराद के लिए मिस्री का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है? मिस्री का इस्तेमाल ज़ियाबेटिस के मरीजों के लिए सेहत का बायस नहीं होता, क्योंकि इसके इस्तेमाल से शुगर लेवल में इजाफा होता है जो कि इनको दीगर मसाइल का शिकार कर सकता है। इस वजह से शुगर के मरीजों को इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।